यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सोचना एकदम सही है कि आखिर ये दो वर्ड्स हैं कौन से और क्या मतलब है इन शब्दों का। और यकीन मानिए, जब मैं आपको इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। और इन दो शब्दों की हेल्प से आप दो बहुत बड़े चैप्टर चुटकियों में सीख जाएंगे। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों चैप्टर आप कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, मैं बोर्ड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जावेद सर एंड वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स डिक्सी एंड कैंपस, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। यस, इसको मैं वर्टिकल लिखता हूँ तो आपको समझ में जाएगा। देखिए, डी आई एक्स आई, डी फॉर डिक्लेरेटिव, आई फॉर इंटेरोगेटिव, एक्स फॉर एक्सक्लेमेटरी, आई फॉर इंपेरेटिव। यस, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस के काइंड्स हैं। यस, डिक्सी मीन्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स याद करने के लिए आप सिर्फ इस सिंगल वर्ड डिक्सी को याद कर लीजिए, आपको ये पूरे काइंड्स इसके आसानी से याद रह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार कैंपस, नेक्स्ट वर्ड, तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। चलिए इसको भी मैं वर्टिकल लिखता हूँ, सी ए एम पी आर सी, सी फॉर कॉमन नाउन, सी फॉर कॉमन नाउन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम फॉर मटीरियल नाउन, पी आर फॉर प्रॉपर नाउन एंड सी फॉर कलेक्टिव नाउन। यस, तो कैंपस ये काइंड्स ऑफ नाउन है। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स को याद करने के लिए आपको सिर्फ इस एक वर्ड कैंपस को याद करना है। इस कैंपस की हेल्प से आप इसके काइंड्स को आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। यस, और सेंटेंस को और काइंड्स को मैं इसके पहले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।